बिहार के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। नीतीश कैबिनेट में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर मुहर। कितना बढ़ा महंगाई भत्ता? बिहार सरकार की नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर तो लगी, जिसमें एक ऐसे एजेंडे पर मुहर लगाई गई है जिसने बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरों पर खुशी ला दी है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट की तरफ से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। नीतीश कुमार की कैबिनेट का ये फैसला बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक तरह से दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। सवाल ये है कि इनके वेतन में अब महंगाई भत्ता कितना बढ़कर आएगा। नीतीश कैबिनेट के फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 46% हो जाएगा। मौजूदा वक्त में इनको 42% महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के तकरीबन 11 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा, जिसमें करीब 4.5 लाख कार्यरत कर्मचारी और करीब 6 लाख पेंशन धारक हैं। जाहिर है नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद इन सभी लोगों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद से नियम के मुताबिक हर राज्य के कर्मचारियों को अपनी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार रहता है। बता दें कि केंद्र हो या राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती हैं। इसके अंतराल की अवधि हर 6 महीने की होती है। पहले फेज में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी से जून महीने तक की होती है, वहीं दूसरे फेज की अवधि जुलाई से दिसंबर महीने के बीच होती है। गौरतलब है कि बिहार के कर्मचारियों की इस साल के दूसरे फेज के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, जिसको नीतीश सरकार की तरफ से बिहार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। वहीं नीतीश कैबिनेट में जिन 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, उनमें एक मुख्य एजेंडा किसानों के लिए भी रहा। नीतीश सरकार ने किसानों के लिए हर खेत को जल देने की योजना के लिए 2,190 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये सीएम कृषि विद्युत योजना के दूसरे फेज की राशि है, जिसकी मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने का प्रावधान है। जाहिर है नीतीश कैबिनेट का ये फैसला बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने के बाद उनकी खेती करने का काम बेहद आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर नीतीश कैबिनेट के इन दोनों फैसलों ने राज्य कर्मचारियों, पेंशन धारकों और किसानों के चेहरे पर खुशी जरूर ला दी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।